Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Sensational Taste. आज मैं आइसक्रीम वीक में बना रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, सबकी बहुत ही फेवरेट आइसक्रीम होती है। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप व्हिपिंग क्रीम, जो कि बहुत ही चिल्ड किस्म की होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी व्हिपिंग क्रीम चिल्ड होगी, उतनी ही अच्छी व्हिप्ड होगी। स्टिफ पीक तक आपने इसको व्हिप्ड करना है। और अब हम आते हैं, इसमें मिठास डालेंगे। मिठास किस तरह डलेगी इसमें? कंडेंस मिल्क से। 3/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क और व्हिप्ड क्रीम को आपने इतना अच्छा बीट करना है कि आपका जो कंडेंस मिल्क है वो व्हिप्ड क्रीम के साथ मिक्स हो जाए। कंडेंस मिल्क हम इसलिए डालते हैं ताकि आइसक्रीम में जो है क्रंच ना बने। वनीला पाउडर डाला है, आप स्किप कर सकते हैं। चॉकलेट का अपना फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। 1/2 कप मैं इसमें चॉकलेट पाउडर डाल रही हूँ। चॉकलेट पाउडर जो है आपने किसी भी अच्छी ब्रांड का यूज़ करना है। और चॉकलेट पाउडर जब भी आप इस्तेमाल करें, इसको छान के आपने डालना है, क्योंकि इसमें रखे रखे गुठलियाँ बन जाती हैं। चॉकलेट पाउडर डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप यहाँ पे बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बीटर का यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ आपने सेकंड के लिए बीटर का यूज़ करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। ये देखें, हमारी जो है कंडेंस मिल्क, व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको डाल रही हूँ एयर टाइट कंटेनर में और इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी 6 से 7 घंटे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको 12 से 16 घंटे भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसको मैं प्लास्टिक से रैप कर रही हूँ ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई क्रिस्टल्स ना बने। वैसे तो ये मेरा एयर टाइट कंटेनर है, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस जो है मैंने प्लास्टिक रैप भी कर दिया है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ कि नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की और कितनी स्मूथ हमारी आइसक्रीम बनी है। ये बहुत ही चिल्ड हमारी जो थी आइसक्रीम, वो मैंने निकाली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट थी। टेस्ट में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी मज़े की थी। मेरे बच्चों को ये आइसक्रीम इतनी पसंद आती है, मैं जब भी बनाती हूँ मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ही शौक से खाते हैं। इवन मेरे गेस्ट जो हैं वो मुझसे हमेशा इसकी रेसिपी पूछते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने गेस्ट्स को हैरान करें और वाव वसूल करें। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।